नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चार कुकिंग में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बगैर लहसुन प्याज की आलू और मटर की सब्जी। तो वीडियो साथ लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपके भी समझ में आ जाए और एकदम आसान तरीके से बनाएंगे घर के मसाले से। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं आलू और मटर की सब्जी। तो हमने चार आलू ले लिया है, इनको अच्छे से छिलके हमने धो लिया चार पाँच पानी से। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चार से पाँच टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का। तो टमाटर मिक्सर जार में डाल देते हैं, थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं, इसमें पीस लेंगे टमाटर में। तो ढक्कन लगा के टमाटर को पीस लेते हैं पहले। तो टमाटर को हमने पीस लिया अदरक और टमाटर को। तो गैस पे हमने पैन रख दिया है, तो एक चम्मच इसमें तेल डाल देंगे। तो पहले जीरा डाल देंगे, राई भी डाल देते, दो हरी मिर्ची। जीरा राई को अच्छे से चटकने देंगे। पांच से सात कड़ी पत्ता डाल देते, थोड़ा सा हिला लेते पहले। थोड़ा हींग डाल देंगे, इनका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है। इसकी जगह मिक्स कर लेते हैं। अभी डाल देंगे जो हमने टमाटर पीसा है, एक बार चला लेते हैं अच्छे से। तो इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे पहले। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कर लेते पहले। अभी दो से तीन मिनट ढक्कन लगा के पहले मसाले को पका लेंगे। मसाला पकते दो से तीन मिनट हो चुका था, एक बार चेक कर लेते। मसाला देख सकते अच्छे से पक चुका है, तेल सेपरेट हो गया। तो अभी इसमें हमने जो कटिंग करके आलू रखा है वो डालेंगे सबसे पहले। तो अभी आलू डाल देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी बगैर लहसुन प्याज की, न ज़्यादा कोई ताम झाम की ज़रूरत है इसमें। अभी इसमें डेढ़ कप पानी डाल देंगे और एक बार चला लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना एक बार मसाला। अभी इसको ढक्कन लगा के पाँच से सात मिनट एकदम स्लो गैस पे इसको पकने देने का। बीच में चाहे तो चेक भी कर सकते हैं आप। पाँच मिनट हो चुका था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार चला के देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। अभी डाल देंगे एक कटोरी ग्रीन पीस। मैंने ग्रीन पीस लिया आपसे, तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो मिक्स कर लिया अच्छे से, तो अभी डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अभी डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी हाथ से मसल के। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स हो चुका अच्छे से। अभी ढक्कन लगा के दो से तीन मिनट और इसको पकने देंगे। तो तीन से चार मिनट हो चुका, तो हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है। चेक कर लेते, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो एक बार चला लेते, तो आप देख सकते बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। तो एक बार आलू भी चेक कर लेते गला है क्या नहीं। तो आलू ले लेते, इसको ऐसा दबा के देख लेते, देख सकते आप। अभी डालेंगे इसमें हरा धनिया, अभी थोड़ा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देते और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते। हमने ज़्यादा कुछ मसाले डालने, घर के मसाले से बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो अभी इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बोल में सर्व करेंगे। बन के तैयार हो चुकी है, इसी कढ़ाई ली है तो इसमें सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है बगैर लहसुन प्याज की। गार्निश के लिए रख देंगे हरा धनिया थोड़ा सा। तो हमारे बगैर लहसुन प्याज की आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करना, और आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक बनाए खाए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू, बाय बाय।